कोविड काल में लोगों को बेहतरीन सेवाएं देने के लिए जिला प्रशासन और अधिकारी हर संभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं। इसी के मद्देनजर बिलासपुर सदर के एसडीएम रामेश्वर दास शर्मा ने भी अपने स्तर पर कई अहम निर्णय लेकर उन पर कार्य किया जा रहा है। एसडीएम रामेश्वर दास ने बताया कि जिला में 36 पंचायतों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 5 बिंदुओं पर विशेष रूप से उनकी स्वयं नजर रहे। उन्होंने कहा कि पहले कार्य के तहत पंचायतों में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों की देखभाल किस तरह हो रही थी इसके बारे में जांचा जा रहा है। साथ ही मरीजों को कोविड समय में मिलने वाली सुविधाओं का फॉलोअप लेने के अलावा गरीब परिवारों का गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला 5 किलो राशन पर भी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड पंच प्रधान सहित सचिव अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान व किस तरह रख रहे हैं इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। वहीं पंचायत में बुखार व खांसी के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन 5 बिंदुओं पर लंबे समय से काम चल रहा है। प्रतिदिन वह इन पंचायतों में जाकर पूरे कार्यों की फीडबैक भी ले रहे हैं, साथ ही मौके स्थल पर जाकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। जिला बिलासपुर के कोविड केयर सेंटरों के नोडल अधिकारी के तौर पर वे अपनी सेवाएं दे रहे एसडीएम रामेश्वर दास ने देर रात तक कोविड सेंटरों में भी रहकर मरीजों के साथ सीधा संपर्क किया है। मरीजों को अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो उक्त अधिकारी अपने स्तर पर मरीजों की हर संभव मदद करने में भी लगे हुए हैं। सबके लिए एक फैसिलिटी तैयार की है, ये इसलिए किया गया क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और जितनी भी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश है उनका पालन किया जा सके। हमने एक कंट्रोल रूम है हमारा, हम जितने भी हमारे सब डिवीजन के अंतर्गत लोग COVID-19 पॉजिटिव आते हैं उन सबके साथ हम वार्तालाप करते हैं और उनसे हम ये पूछते हैं कि क्या आपको दवाइयाँ मिली, क्या आपको आशा वर्कर फॉलोअप कर रहे हैं, आप ज़्यादा बीमार तो नहीं हैं, आपको बुखार तो नहीं आ रहा, अगर बुखार आ रहा तो आपके जो वाइटल है हम लेते हैं और फिर उसके बाद जो है उसको DCHC में या दूसरे कोविड सेंटर में रेफर करते हैं ताकि उनको प्रॉपर मेडिसिन मिल सके।